स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 15 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर सबसे पहले कौन सा? 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने वर्ड्स लिख लिए। अब इन वर्ड्स को हम ट्रांसलेट करेंगे इनकी सिंबल की फॉर्म में, जिससे कि इक्वेशन बन के तैयार हो जाए। तो हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता है, H, बट ये रिएक्ट करेगा तो अपनी डायएटॉमिक फॉर्म में होगा, तो H2 लिखेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन का सिंबल है N, बट जब ये रिएक्ट करेगा तो अपनी डायएटॉमिक फॉर्म में होगा। ओके, और अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH3। ये ठीक है। तो ये हमने एक रिएक्शन, एक इक्वेशन बना ली, बट ये अभी अनबैलेंस है। अनबैलेंस इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जितने एटम इस साइड में हैं उतने उस साइड में नहीं है, या मैं कहूँ जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में इक्वल नहीं है। ठीक, तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे एटम। एटम जो जो इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ओके, और फिर इधर लिख लेंगे हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जो हमारे हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 2। और नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और नाइट्रोजन कितने हैं? 1। अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए हम कहीं से भी अपनी बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लो इस 2 को, इनको इक्वल बनाने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किसको कराया है? नाइट्रोजन को। कहाँ पर कराया है? प्रोडक्ट में। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया नाइट्रोजन को। जब मैंने 2 से नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कराया तो वो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो गया? हाइड्रोजन से। तो इंटू 2 लिखा और आंसर कितना आ गया? 6। अब इधर 6 है, इधर 2 है, तो मुझे इससे इधर किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई कराया हाइड्रोजन को, कहाँ पर? रिएक्टेंट। अब ये जो रिएक्शन, ये जो इक्वेशन अब आपके सामने लिखी है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है ये वाली बात? इस तरह से इसको करना है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? तो आंसर है, हाइड्रोजन का सिंबल हम जानते हैं H, सल्फर का सिंबल हम जानते हैं कितना? S। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी कितनी? 2। तो 2 यहां पर लगाएंगे, 1 इस पर लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा? H2S। ठीक है। अच्छा, एयर मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो जनरली वो अपनी डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। इसके अलावा सिंगल एटॉमिक, मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, बट जनरली वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो जब एयर कहा जाएगा तो आप O2 ही लिखोगे। ओके, अच्छा, इसके बाद वाटर। वाटर का फॉर्मूला आप जानते हो, H2O। और सल्फर डाइऑक्साइड, अब सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO2। क्या होगा वो लिखा मैंने, SO2। ये आप सारे फॉर्मूले नोट कर लो, और जो आपको नहीं आते हो ना वो फॉर्मूले आप कहीं ना कहीं नोट कर लिया करो कि ये नई चीज़ आई है, उसको हमें नोट करना है। तो अब जब ये हो गया हमारे पास, अब हम इसके एटम्स को नोट कर लेते हैं और इसके रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। अगर कोई फॉर्मूला, कोई कंपाउंड का फॉर्मूला आपको ना आता हो, पहली बार आपके सामने आया है, तो उसे नोट कर लिया करो। ठीक है। अब एटम में हमारे पास हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, सल्फर हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 2। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है। और सल्फर कितना है हमारे पास? 1। और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 1 यहाँ पर है और 2 वहाँ पर है।
इस तरह से, ओके। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इधर बैलेंस है, इधर बैलेंस है, यहाँ बैलेंसिंग नहीं है। तो यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम ये किया जा सकता है कि ये वाला जो वन लिखा हुआ है, वन ये वाला ऑक्सीजन, इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, फोर टोटल, और फिर इधर टू से मल्टीप्लाई करा दूँ तो इधर भी फोर बन जाएंगे। एक तो ये मेथड हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो हम पहले इसको करके देखते हैं। तो मैंने टू से मल्टीप्लाई कराया किसको, ऑक्सीजन को, कौन से वाले ऑक्सीजन को, वन वाले ऑक्सीजन को, प्रोडक्ट में कौन से वाले ऑक्सीजन को, जहाँ वन ऑक्सीजन था, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कराया मैंने, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा ऑक्सीजन को, है ना, तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन में भी ऑल्सो मल्टीप्लाई हो गया, इधर फोर हो गए और ये भी टोटल कितने हो चुके हैं, फोर, ठीक है। अब इनको इधर फोर है इधर टू है, तो इधर बैलेंस करने के लिए इधर टू से मल्टीप्लाई करा दिया, किसको मल्टीप्लाई करा दिया, ऑक्सीजन को, कहाँ पर, रिएक्टेंट में, ठीक है, ये बैलेंस हो चुका। अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए इनटू टू कराया मैंने, किसको, हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को कराया तो ऑल्सो किसको कराना पड़ेगा, सल्फर को, ठीक है। जब सल्फर को आप कराओगे, यहाँ पर सल्फर के पास अब टू एटम हो जाएंगे, बट इधर कितने हैं, वन, तो आप इधर टू से मल्टीप्लाई कराओ सल्फर को। जब आप इधर टू से मल्टीप्लाई कराओगे सल्फर को, है ना, तो ऑल्सो किससे कराना पड़ेगा, बोलो, ऑक्सीजन से कराना पड़ेगा। कौन से वाले ऑक्सीजन से कराना पड़ेगा, जो टू वाले हैं प्रोडक्ट में, कौन से वाले ऑक्सीजन, जहाँ पर टू लिखा था, तो टू यानी कि ये वाला, ठीक। अब आपके पास टोटल ऑक्सीजन कितने हो चुके, सिक्स हो चुके, है ना, बट हमने तो यहाँ पर फोर बनाए थे, तो इसका मतलब हमें सिक्स बनाने पड़ेंगे। तो सिक्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कराना चाहिए, बोलो, थ्री से, किसको, ऑक्सीजन को, है ना, तो ऑक्सीजन को थ्री से मल्टीप्लाई करा दो, ये अब ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ टू था यहाँ वन था, तो पहले तो यहाँ वन को टू बना लो, तो लेकिन फोर हो जाएंगे वो, ओके। फिर इसके बाद जैसे मान लो आप ऑक्सीजन से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑल्सो हाइड्रोजन से हो जाएगा, तो हाइड्रोजन फोर हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन फोर बनाओगे, जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो इससे भी होगा सल्फर से, तो है ना, अब ये टू हो जाएंगे, तो अगर इधर टू है तो यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो इस वाले ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल ये सिक्स हो जाएंगे, तो फिर इधर थ्री से मल्टीप्लाई कराकर इन्हें बैलेंस कर दोगे, ठीक है। इस तरह से इसको बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम और क्लोराइड, बेरियम की बैलेंसी कितनी है, टू, क्लोरीन की कितनी है, वन, तो ये इस पर लगेगा, ये इस पर लगेगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की बैलेंसी और सल्फेट की बैलेंसी, एल्यूमिनियम की कितनी होती है, प्लस थ्री, सल्फेट की माइनस टू, तो थ्री इस पर लगेगा, टू इस पर लगेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ये प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम और क्लोराइड, यहाँ पर प्लस थ्री और यहाँ पर वन, ठीक है, थ्री इस पर वन इस पर, तो AlCl3, ठीक है, और प्लस और क्या है, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम और सल्फेट, बेरियम टू, सल्फेट भी टू, टू से टू कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, BaSO4, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए, ये प्रैक्टिस उसी बच्चे को आती होगी जिसको बैलेंसिंग याद होगी, ठीक है, बैलेंसिंग उस बच्चे को याद होगी जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस बच्चे को लिखना आता होगा जिसको एटॉमिक नंबर याद होंगे, ओके। तो अब हम लिख लेते हैं एटम, एटम के अंदर क्या क्या आएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दो जगह एटम देखने को मिलेगा। अच्छा, एटम में हमारे पास कौन कौन है, बेरियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम और सल्फेट। बेरियम रिएक्टेंट में वन, क्लोरीन कितने, टू, एल्यूमिनियम टू, सल्फेट थ्री। प्रोडक्ट में बेरियम कितना, वन, और क्लोरीन कितना है, थ्री, और एल्यूमिनियम कितना है, वन,
और सल्फेट वहां पर कितना है, 1। ठीक है, सब लिख लिए। अब इसको बैलेंस कराओ। तो बैलेंस कराने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, इधर 3 से मल्टीप्लाई और इधर किससे मल्टीप्लाई हुआ, जिससे कि दोनों 6 बन जाए। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कराया है रिएक्टेंट में, किसको, क्लोरीन को। अब जब इधर क्लोरीन से कराओगे तो ऑल्सो किससे कराओगे, बेरियम से। ये ठीक है। अच्छा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कराया है आपने किसको, क्लोरीन को, प्रोडक्ट में। आप क्लोरीन को कराओगे तो ऑल्सो किसको कराओगे, एल्यूमिनियम को। ठीक है, ये अच्छा। अब इसके बाद आपका यहां पर 3 आ गया और वहां पर 1 आ गया, तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बेरियम को बैलेंस कराओ इंटू 3। बेरियम को आप इंटू जब 3 कराओगे तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सल्फेट से। तो ऑल्सो 3 इससे भी मल्टीप्लाई करा दो। अब आप देख रहे हो कि आपके सारे नंबर बैलेंस हो चुके हैं। ये बैलेंस हो जाएंगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्ड फॉर्म में लिखना होगा, वर्ड से फिर उनके फॉर्मूलेज की फॉर्म में लिखना होगा, फिर एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिख लो, और फिर उनको मल्टीप्लाई कराते रहो, थोड़ा थोड़ा मैथ लगाते रहो, आप कर पाओगे उसको बड़े आसानी से। ये पोटेशियम पोटेशियम प्लस क्या है, वाटर, गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पोटेशियम सिंबल के, वाटर फॉर्मूला H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्यों KOH, क्यों, क्योंकि OH के ऊपर 1 होता है, K के ऊपर 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या आया, KOH। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का तो फॉर्मूला आपको आता ही है। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन बनके तैयार हुई, बट ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करना है। तो हम सबसे पहले एटम लिख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे रिएक्टेंट में वो कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। एटम के है हमारे पास, एच है, हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में के 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और प्रोडक्ट की बात करें तो पोटेशियम यहाँ पर 1 और हाइड्रोजन की बात करें तो 1+2 और ऑक्सीजन की बात करें तो 1। ठीक है, जब भी हमारे पास एक एटम दो जगह पर लिखा होगा तो उसको ऐसे लिखना होगा, 1 अलग है यहाँ पर लिखो और 2 यहाँ पर अलग लिखो। ठीक है, और मल्टीप्लाई कराते वक्त भी ये ध्यान रखो कि 1 वाले में किया जा रहा है या 2 वाले में किया जा रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा, कि इस 1 को कोई इवन नंबर बना लिया जाए, यही तरीका रहेगा। तो फिर इससे कि इसको मल्टीप्लाई करके इवन तो बनाना आसान है, ये तो ऑलरेडी इवन है, तो इसको भी इवन नंबर बना लिया जाए। इवन नंबर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, रैंडमली ट्राइबिड बाय हिट एंड ट्रायल। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, किसको करा रहा हूँ, हाइड्रोजन को। कहाँ पर करा रहा हूँ, प्रोडक्ट में, कौन से वाले हाइड्रोजन में, 1 वाले में। ठीक, तो 1 वाले हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कराया। जब 1 वाले हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो किससे हो गया, के से, पोटेशियम से। ऑल्सो किससे हो गया, ऑक्सीजन से। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आपने देखा कि इधर 2 हो चुका है, इधर 1 है, तो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कराया, किसको कराया, पोटेशियम को। अच्छा, इधर 2 है तो इधर भी मुझे 2 चाहिए, तो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये 2 मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया, इस ऑक्सीजन से। ठीक है, और जब मैंने इस ऑक्सीजन से कराया तो ऑल्सो किससे हो गया, हाइड्रोजन से। तो आप देखिए दोनों साइड आपके हाइड्रोजन 4-4 हो चुके हैं और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। तो फिर से पहले हिट एंड ट्रायल से मैंने इसको इवन नंबर बनाया, ओके, 2 से मल्टीप्लाई कराया। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो के से कराया और ऑल्सो ओ से कराया। फिर इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो कोई इफेक्ट नहीं आया किसी और पर। ठीक है,
फिर जब इसको बैलेंस कराने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो किससे कराना पड़ा मुझे, हाइड्रोजन, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है, जिससे हमें फॉर्मूले नहीं बनाने पड़ेंगे और वहाँ पर फॉर्मूले डायरेक्टली गिवन है हमें, बट हमें फॉर्मूले बनाने आने चाहिए क्योंकि अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 दिखा रहा हूँ ये, ओके, इसको हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एटम, यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एटम में मेरे पास क्या क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके, मैं हाइड्रोक्साइड ना लिखकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग मान लेता हूँ, जो कि मैं ले चुका हूँ। ठीक है, अच्छा अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, सुनिए ध्यान से। ये जो हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, एक जगह मुझे दिखाई दिया 1 और यहाँ पर मुझे 2 दिखाई दिए, तो +2, ये क्लियर है। अच्छा अब नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन मुझे 1 दिखाई दिया। ऑक्सीजन की बात करो, एक जगह मुझे 3 दिखाई दिया और एक जगह मुझे 2 दिखाई दिया, ओके। नाउ कैल्शियम की बात करो, कैल्शियम मुझे 1 दिखाई दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट पर आ जाइए, हाइड्रोजन बताइए प्रोडक्ट में कहाँ पर है, 2 है, केवल एक ही जगह पर है, कितने, 2। अच्छा अब नाइट्रोजन बताइए कितने हैं, नाइट्रोजन सर मुझे 2 दिखाई दिए, ओके। ऑक्सीजन बताइए मुझे कितने दिखाई दिए, 6 दिखाई दिए सर और 1 दिखाई दिए, तो 6 दिखाई दिए और 1 दिखाई दिए। कैल्शियम मुझे 1 दिखाई दिया, ओके। ठीक है, ये मैंने नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट नोट कर लिए। अब इसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो बैलेंसिंग करने का क्या तरीका बनाए हम, बैलेंसिंग करने का तरीका हम ये बना सकते हैं कि हम अपने नंबर्स को जो कि ऑड हैं उनको इवन बना लें, ऐसा कर सकते हो, या आप हिडन ट्रायल से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, फाइनली रिजल्ट तो सेम ही आना है, आप कहीं से भी शुरू करोगे। डिपेंड करता है कि आपने शुरुआत की तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया आपको बैलेंस करने में, क्योंकि वो सही नहीं था प्रोसेस कर, हालांकि अल्टीमेटली तो आप वहीं पहुंचोगे जहां रिजल्ट पे पहुंचना था। ठीक है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जैसे ये 1 है, इसको मैं इनटू 2 कर दूं तो ये 8 हो जाएगा ना टोटल, हाँ या ना। ऐसे ही बच्चों अगर मैं यहाँ पर इनटू 2 कर दूं तो 3 × 2 = 6 और 2 इधर भी 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, बट मेरा हिट एंड ट्रायल यहीं से शुरू हो रहा है, ओके। तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई कराया 2 से, ये क्या चीज़ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कराया है प्रोडक्ट में 1 वाले से, 1 वाला यहाँ पर है, ये वाले तो 6 हैं, ये वाला 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराया गया, 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन से, दिस, क्लियर है ये वाली बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब इधर हमने किससे मल्टीप्लाई कराया था, ऑक्सीजन को किससे, 2 से, कौन से वाले ऑक्सीजन को, 3 वाले को, तो 3 वाले को ये मल्टीप्लाई करा दिया 2 से। जैसे ही मैंने इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो किससे हो गया, हाइड्रोजन से, कौन से वाले हाइड्रोजन से, 1 वाले से, इससे नहीं, इससे, ठीक, और ऑल्सो किससे हो गया, नाइट्रोजन से। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका ये बैलेंस हो चुका है, यहां पर 2 और 2 4 4 2 2 8 8 1 1 बैलेंस हो गया। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बिल्कुल आसान है, ओके। इस तरह का आपने मुझे क्वेश्चन करने के लिए दिया कि इसको बैलेंस करके दिखाइए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एटम नोट करूँगा, फिर मैं क्या नोट करूँगा बताइए, रिएक्टेंट में वो कितने हैं और प्रोडक्ट में वो कितने हैं। तो एटम जो इन्वॉल्व हैं इस इक्वेशन में वो हैं सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फेट, सल्फेट ले लेते हैं। अब सर आपने S और O अलग अलग क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे दिखा कि यहाँ पर भी सल्फेट एक साथ आ रहा है और यहाँ पर भी एक साथ आ रहा है, इसलिए, ठीक है। लेकिन सर अगर मैं S अलग ले लूँ और O अलग ले लूँ तो आप ले सकते हो, तब भी आपका आंसर सेम ही तरीके से बनेगा, ठीक है, बस ऐसा लेने से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बस ये है। अच्छा
तो सोडियम बताइए रिएक्टेंट में कितना है, वन। ऑक्सीजन कितना है, वन प्लस फोर। ओके, हाइड्रोजन कितना है, वन प्लस टू। और सल्फेट कितना है, नो। अच्छा, यहां पर हमने वो उसमें वहां पर काउंट किया है ना उसको, तो आप ऐसा करिए, इस तरह से मत लीजिए ऑक्सीजन को। आप सल्फेट को अगर लेकर चल रहे हो तो सल्फेट को एक मानो, तो ऑक्सीजन को यहां पर फोर मत लिखो फिर। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप यहां पर ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन को लेकर चल रहे हो तो यहां पर क्या लिखोगे, वन। फिर आप इस वाले ऑक्सीजन को तो सल्फेट में काउंट कर रहे होगे ना, तो सल्फेट में वन लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। अब सोडियम की बात करो, प्रोडक्ट में कितने हैं, टू। और ऑक्सीजन की बात करो, वहां पर कितना है, वन। और हाइड्रोजन की बात करो, वहां पर कितना दिखाई दिया, टू। और सल्फेट की बात करो, कितना दिखाई दिया, वन। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गई ये वाली बात। अब आप बैलेंस करना स्टार्ट करो, यहां पर टू है, यहां पर वन है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करा दो सोडियम को। ओके, करा दिया। जैसे ही सोडियम को टू से मल्टीप्लाई कराया तो ऑक्सीजन में भी हो गया, तो ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करा दो। ऑल्सो किससे हो जाएगा, कौन से वाले हाइड्रोजन से, वन वाले से, इस वाले से। ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इधर टू हो चुका, इधर टू नहीं हुआ है अभी, तो इधर भी टू से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इधर टू से मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, किसको करा रहा हूं, ये कौन से वाले को, जहां पर ये वाले को है ना, इसको। ठीक है, जब मैं ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कराता हूं तो ऑल्सो हाइड्रोजन से भी हो जाता है, तो ऑल्सो हाइड्रोजन से भी करा दिया। तो ये आया, समझिए, जब मैंने ऑक्सीजन से कराया तो ऑल्सो किससे हो गया, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से भी करा दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये बैलेंस हो चुका, टू 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 टू, फोर फोर, वन वन। ओके, बैलेंस है NO3। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन आई हमारे सामने। ओके, इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम एटम लिख लेते हैं, और रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। एटम है हमारे पास सोडियम और सिल्वर और क्लोरीन और नाइट्रेट। नाइट्रेट दिखाई दे रहा है दोनों साइड आपको, तो आप इस तरह से, अगर मैं चाहूँ तो क्या सर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग देख सकता हूँ, तो आंसर है यस। ठीक है, सोडियम कितने हैं, वन, और ये सिल्वर मैंने यहाँ लिख दिया वन, क्लोरीन वन एंड नाइट्रेट वन। ओके, सोडियम वन एंड सिल्वर वन एंड क्लोरीन वन एंड नाइट्रेट वन, तो दिस इज बैलेंस्ड और दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, तो ठीक है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हमने केवल ये चेक कर लिया कि बैलेंस है नहीं। ठीक है, प्लस HCl। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले एटम नोट कर लेते हैं, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एटम है हमारे पास बेरियम का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का और सल्फेट का। ठीक है, मैंने सल्फेट को एक ले लिया। सल्फेट आप एक या नाइट्रेट आप एक तभी लिया करो, आप पहले देख लिया करो, इधर सल्फेट दिखाई दे रहा है एक साथ, तो इधर भी दिखाई दे रहा है, तो एक साथ ले लिया करो। अब बेरियम वन, क्लोरीन टू, हाइड्रोजन टू, सल्फेट वन। बेरियम वन, क्लोरीन वन एंड हाइड्रोजन वन एंड सल्फेट वन। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कराइए, तो बैलेंस करना तो बिल्कुल दिख ही रहा है क्लियरली कि इधर टू है, तो उधर तो टू बनाना ही है, तो यहीं से शुरू कर लो। तो इंटू टू कराया, किसको, क्लोरीन को, कहाँ पर, प्रोडक्ट में। जैसे ही क्लोरीन को कराया तो ऑल्सो किससे हो गया, हाइड्रोजन से, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना करना था, बिल्कुल आसान है ये वाइज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ये CO3 प्लस वाटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, एटम लिख लो, रिएक्टेंट लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो। एटम कितने हैं हमारे पास, कौन कौन से एटम हैं, पहले तो कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है,
और कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहाँ एक साथ नहीं दिखा मुझे, ठीक है। ओके, तो कैल्शियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2 प्लस 2। और हाइड्रोजन कितना है? 2। और बस कार्बन कितना है? 1। इस तरह से। नाउ प्रोडक्ट की बात करो, कैल्शियम बताओ कितना है? 1। ऑक्सीजन बताओ कितना है? 3 प्लस 1। और हाइड्रोजन बताओ कितना है? 2। और कार्बन 1। इसको आपको बैलेंस करना है, बताओ कहाँ से करना स्टार्ट करोगे? बैलेंस्ड है पहले से, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो ये 4 है, ये 4 है और बाकी के नंबर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहले से बैलेंस्ड है, ठीक है। और सिल्वर, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये सिंबल, ये फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए, इनको आपको बैलेंस करना है। जिंक AgNO3, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, इसको आपको बैलेंस करना है। तो आप बैलेंस कराइए, एटम लिख लो, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं ये लिख लो। एटम में है हमारे पास जिंक, सिल्वर और क्या लिखोगे बताओ? नाइट्रेट। जिंक 1, सिल्वर 1 एंड नाइट्रेट 1। अब प्रोडक्ट में आ जाइए, जिंक 1 और सिल्वर 1 एंड नाइट्रेट 2, ठीक है। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब इसको बैलेंस कराइए, बैलेंस करना आपको पता है कैसे करना है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो ऑफ कोर्स यहीं से शुरू करेंगे। तो इनटू टू करा रहा हूँ किसको? नाइट्रेट को। कहाँ पर? रिएक्टेंट में। जब आप NO3 से कराओगे तो ऑल्सो किससे हो गया? Ag से, ये ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ 2 बन गया, यहाँ पर 1 है अभी भी, तो पहले इसको भी कराना पड़ेगा 2 से। तो इधर सिल्वर को प्रोडक्ट में कराओ 2 से जी, अब बैलेंस हो गया, तो बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले वैसे ही लिखे जा रहे हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाए थे, मतलब जैसे कि ये 3 एल्युमिनियम के ऊपर यहाँ होगा, ये 2 यहाँ रहा होगा तो ये यहाँ आया, ये 3 यहाँ पर आया, इस तरह से बनाए गए हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये कॉपर के ऊपर 2 होगा, क्लोरीन के ऊपर 1, तो 1 इस पर लगा, 2 इस पर लग गया आकर, तो ये फॉर्मूला बन गया। इस तरह से बनाते जाना, ठीक है। अब एटम लिख लो, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। एटम में एल्युमिनियम, कॉपर और क्लोरीन। एल्युमिनियम में कितना? 1। कॉपर और क्लोरीन, ठीक है। अब इधर आ जाइए, एल्युमिनियम इधर 2, कॉपर 1, क्लोरीन 3। अब आप बैलेंसिंग शुरू कराओ, ठीक है। तो कहाँ से शुरू कराओ बताओ? कहीं से भी करा दो सर, जहाँ आपको ठीक लगता हो। तो आप एल्युमिनियम से चाहते हो तो ठीक है, मैं इधर इंटू 2 करा देता हूँ, तो एल्युमिनियम से इंटू 2 करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अभी भी बैलेंसिंग नहीं हुई, तो एक काम करते हैं, इसको किससे कराना पड़ेगा? किसको? क्लोरीन को। क्लोरीन से कराओगे तो ऑल्सो किससे होगा? अगर इधर 3 से कराया तो इधर कितना कराना पड़ेगा? 2 से कराना पड़ेगा, तभी तो 6 बनेगा, इक्वल बनेगा। तो ये 2 किससे कराया है? क्लोरीन से। क्लोरीन से कराओगे तो ऑल्सो किससे कराना पड़ेगा? एल्युमिनियम से, ठीक है। अब सिर्फ बैलेंस होने के लिए ये बचा हुआ है, बाकी तो सब बैलेंस हो नहीं, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। तो एक काम करो, इधर कितने हो गए हैं? ये 4 हो गए हैं। तो एक काम करो, इधर सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई किससे करा दो? 4 से करा दो, 2 से ना करा कर किससे करा दो? 4 से, ठीक है। तो अब ये बैलेंस हो चुका, ये बैलेंस हो चुका, अब आपका सिर्फ ये बैलेंस करने के लिए बचा है, तो इसको इनटू क्या करा दो? 3। किसको? कॉपर को। अब आपका ये बैलेंस हो चुका सब कुछ, 4 एल्युमिनियम, इधर 4 एल्युमिनियम है, 3 कॉपर, 3 कॉपर, 3 टू जा 6 क्लोरीन, 2 3 जा 6 क्लोरीन, और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए और कैसे बनाए गए हैं, तरीका वही है जैसे आपने पहले सीखा। जैसे यहाँ पर बेरियम के ऊपर 2 रहा होगा, सल्फेट के ऊपर 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बना, ओके। पोटेशियम के ऊपर 1 रहा होगा, क्लोरीन के ऊपर 1 रहा होगा, 1 से 1 कैंसिल, ये बना। ऐसे ही सल्फेट के ऊपर 2 और पोटेशियम के ऊपर 1,
टू इधर आ गया होगा, वन इधर, ऐसे करके ये फॉर्मूले आपको बनाने हैं सब। ओके, नाउ यहाँ पर लिख लेते हैं एटम, और यहाँ पर क्या लिखूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एटम में क्या क्या है, बेरियम, क्लोरीन, पोटेशियम और सल्फेट। बेरियम वन, क्लोरीन वन नहीं टू सॉरी टू, और पोटेशियम टू, सल्फेट वन। और प्रोडक्ट की बात करें तो बेरियम वन, क्लोरीन वन, पोटेशियम वन, सल्फेट वन। ठीक है, और इसको सॉल्व करना तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर इनटू टू करा लेता हूँ। पोटेशियम को, पोटेशियम को जब करा रहा हूँ तो ऑल्सो किससे हो रहा है, क्लोरीन से, तो ये तो बैलेंस हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन शायद अभी हमने किया था, इसी तरह का बिल्कुल सेम था या यही था, तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया करना। ठीक है, बस टू से मल्टीप्लाई कराया तो ऑल्सो के से कराया तो ऑल्सो सीएल से करना पड़ा, तो बैलेंस हो गया। तो इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आपकी हो गई। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी हमें बैलेंसिंग करनी है, बट हमें उसके साथ रिएक्शन का टाइप भी बताना है। तो पहले हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो हम रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना देख चुके हैं, अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ लेंगे तो इसकी बैलेंसिंग तो हम अभी कर लेते हैं, बट उसके नाम जो होंगे टाइप ऑफ रिएक्शन वो हम तब लिख देंगे जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन जान चुके होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 8, इसको बैलेंसिंग वाला पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं। BaBr2 होगा, ठीक है, मुझे कैसे पता चला ये फॉर्मूला होगा, तो आंसर है कि हमें पोटेशियम की वैलेंसी और आयोडीन की वैलेंसी पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसकी भी वन होती है, इसकी वन होती है, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, 17 ग्रुप जो होता है, मतलब कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये चारों याद रखो, कौन कौन से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ये एक ही ग्रुप में होते हैं, एक टेबल होती है ना हमारे पास एलिमेंट की, पीरियोडिक टेबल, उसमें ये एक ही ग्रुप में आते हैं और इनकी सबकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो इस तरह से आप इसको बना लोगे। बेरियम का तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, 2 होता है, और इसका 1, तो इसका 2 इस पर लगा होगा, तो ये बन गया होगा फॉर्मूला। ऐसे KBr में पोटेशियम 1 होता है, और ब्रोमीन का मैंने आपको अभी बताया 1 ही होगा, तो 1 से 1 कैंसिल, KBr बनेगा। इस तरह से ये फॉर्मूले बन जाएंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले एटम, फिर इसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एटम KBr Ba एंड I, पोटेशियम 1, Br 1, बेरियम 1, आयोडीन 2, पोटेशियम 1, Br 2, Br 2 एंड Ba 1, आयोडीन 1। बैलेंस कराइए। तो सर आप ऐसा करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लो, कहीं से तो शुरू करना ही है, तो मैं बेरियम को करा देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। जब इसको कराऊंगा तो ऑल्सो पोटेशियम से हो जाएगा, इतना काम हो गया। अब इधर 2 हो गए तो इधर 2 बनाने हैं, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कराओ। किसको मल्टीप्लाई कराया, पोटेशियम को प्रोडक्ट में, तो अब इससे कराया तो ऑल्सो आयोडीन से हो गया, ऑल्सो आयोडीन से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब शायद ये बैलेंस हो चुका क्या, यस बैलेंस हो चुका। ठीक है, तो आपने यहाँ से शुरू किया तो इसको कराना पड़ा, यहाँ से यहाँ पर कराना पड़ा, तो फिर यहाँ पर भी हो गया, तो बैलेंस हो गया। ये तो बिल्कुल आसानी से, ये मैंने आपके सामने इनके फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब आप इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको थोड़ी बात समझ आ गई होगी कि कैसे करते हैं बैलेंसिंग। तो आपका काम ये रहेगा कि आप इन 3 इक्वेशन को बैलेंस करोगे। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन को समझाऊंगा, और फिर आप इस क्वेश्चन नंबर 8 में पर्टिकुलरली रिएक्शन के नाम भी मेंशन कर दोगे। ठीक है।